उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गोरखपुर, लखनऊ, बरेली के बाद अब कानपुर से हत्या का मामला सामने आया है। कानपुर के बर्रा दो सब्जी मंडी में शुक्रवार 1 अक्टूबर को कार सवार बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इस इलाके में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी युवा जन सभा कानपुर देहात के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव को कार सवार बदमाशों ने दौड़ा कर गोली मारी थी। खून से लथपथ एसपी नेता को स्थानीय लोग आनंद फानन में बाइक से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या का कारण अभी साफ नहीं हो सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस गाड़ी में बदमाश बैठे थे उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने इस घटना को लेकर बताया कि मृतक की पहचान हर्ष यादव के नाम से हुई है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी शिवेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सपा का जिला सचिव ग्रामीण है। कल रात बर्रा क्षेत्र में घटना हुई जिसमें कि हर्ष यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई। इसकी विवेचना की गई, इसमें पाया गया कि शिवेंद्र यादव नाम का एक इसी का साथी है, जिसके साथ नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसने हत्या की। अभी जल्दी सुबह इसको दबिश दे करके पकड़ा गया है एक साहसिक भीड़ में और शिवेंद्र को बर्रा थाने पर लाया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मृतक भी और मारने वाला भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कानपुर से रंजेश सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।